Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Explore Culture with Dharmeta Kaneria. So, kaise hain aap sab? Yes, Padisa and yes, Nadesh. Main ja rahi hu. Ye hai piche snowman, ye hai hamari ghanti. Freeze time nahi lagaya. Agar aap logo ne Danish ki video purani dekhi ho to dekh sakte hain ki hamare piche hum har Christmas ke upar jo hai Christmas tree ghar pe zarur lagate the. लेकिन इस टाइम बिकॉज़ के हम वो पाकिस्तान में नहीं हैं, अपने घर पे नहीं हैं, ये सब ने अपने जो है वो घर के ऊपर सब डेकोरेशन करते हैं, तो हमने भी जो है वो दरवाजे पे थोड़ी सी छोटी सी बेल लगा दी है क्रिसमस डेकोरेशन की, ताकि थोड़े से वाइब्स आए कि क्रिसमस है और घर पे पाकिस्तान में नहीं है इस टाइम, तो इसीलिए जो है वो कुछ डेकोरेशन क्रिसमस ट्री वगैरह नहीं लगा सकते हैं. चाबी लेके आए हो कि भूल गए? ओके, मैं हूँ बाहर और मैं परीसा और नदेश जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, और क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ खाउसे, और क्योंकि मुझे खाउसे बहुत पसंद है, परीसा को भी पसंद है, लेकिन इतना सब कुछ बनाने में होता है उसको कि आप एवरी टाइम नहीं बना सकते, और काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारा मन कर रहा है वो खाने का, तो उसके लिए कुछ ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ. मैं यहाँ जा रही हूँ वॉलमार्ट, जो कि नेबरहुड का वॉलमार्ट है, सुपर स्टोर है, सब कुछ मिल जाता है, और हम जब भी मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं बिकॉज के घर के बिल्कुल ही करीब है, बस यूँ क्रॉस किया और आप देख रहे हो कि ये आ गया है वॉलमार्ट नेबरहुड का. तो सब कुछ तो नहीं मिलता है यहाँ, मतलब कि जो बड़े वॉलमार्ट के अंदर होता है वो तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सहूलियात है कि घर के सामने हैं तो आप कभी भी मुंह उठा के जा सकते हो. तो इससे पहले कि मैं पूछूँ आप लोगों से कि मेरे साथ चलेंगे ग्रॉसरी करने के लिए, और जब तक आपका मैं वीडियो अपलोड करूँगी जवाब आएगा, चलते हैं. बादल चेक करें क्या लग रहे हैं. मुझे ना कभी कभार ऐसा लगता है कि यहाँ का आसमान बहुत ऊंचा है. आसमान तो आसमान होता है, चाहे पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो. छोटा है पर जो चाहिए होता है वो मिल जाता है. ए, मैं मास्क भूल गई अपना. मैं मास्क भूल गई. तू भी भूल गया? ले लो ज़रा वाटरमेलन, यहाँ पड़े हैं वाटरमेलन बड़े बड़े, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है. ये क्या किया परी? क्या मज़ा आ रहा है? सब्जी वाले कितने किलो है ये? 9.33 किलो. मुझे खाउसे के लिए चाहिए ग्रीन आनियंस, जो कि मैंने ये है इसकी प्राइस 50 सेंट्स का ये ग्रीन आनियन है. जब तक हमारे खानों में नहीं पड़ती है तो वो टेस्ट ही नहीं आता है. हिम्मत है ये खाने की? नहीं. क्यों कम पड़? Look at the size. ये एक चीज मुझे बतानी थी, सॉसेजेस. ये सॉसेजेस देख रहे हैं, ये है प्लांट बेस्ड ओरिजिनल सॉसेजेस. तो ये सब जितना भी है डेली स्लाइसेस, ये सब प्लांट बेस्ड है, एंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि आप चिकन खा रहे हो. सो इट्स ऑल प्लांट बेस्ड. और इसमें आपको मैं आगे भी बताती हूँ, इसमें बर्गर्स भी है. क्या लिखा हुआ है?
अच्छी जेट मेरे दोपहर का खाना अच्छी जेट हॉट एंड स्पाइसी हॉट एंड स्पाइसी तो बहुत हॉट एंड स्पाइसी नहीं हो जाएगा ये मिक्स हम लोग तो आई होगा जो पूरा दिन खाता है आई यूजुअली ईट दिस हेल्पिनो कौन सा हेल्पिनो एंड चेडर जैक टू यम बहुत किस्म के हैं होल मिल्क है लो फैट है क्या है फ्लेवर्ड है मैं तेरे खाने के लिए नहीं चिप्स लेके आई हूँ ओके ये जो है हमारा खाउसा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो जारी होती है एक्चुअली ये जो खाउसे के ऊपर जाती है पापड़ी तो पापड़ी तो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो हम लेस के चिप्स से काम चला सकते हैं जो कि वो स्पाइसी वाले होते हैं फ्लेमिंग हॉट दिल पिकल नहीं ले जो गरम दिल पिकल अच्छे नहीं होते वैरायटीज यहाँ कौन कौन सी वैरायटीज है रेस की हिकड़ी बारबेक्यू फ्लेमिंग हॉट हमने ले लिया है नदीश क्यों बीच में ला रहा है चीटोस में ये हनी बारबेक्यू है और क्या है परिया रैंच फ्लेवर है बारबेक्यू फ्लेवर है स्वीट एंड सॉर क्रीम एंड अनियन है प्लेन वाले हैं लेमन वाले हैं लेमन वाले कैसे होते हैं परिसा हैव यू ट्राइड दिस रेडियन सर ब्लैक बीन बर्गर चिपोटले एंड चिपोटले दिस इज बीफ बर्गर लेकिन ये असली बीफ नहीं होता ये प्लांट बीफ प्लांट बेस्ड होता है तो और ये रहा तो ये कहीं से भी नहीं आपको लगेगा कि ये जो है आप प्लांट बेस्ड चीज़ें खा रहे हो ये मीट बॉल है प्लांट बेस्ड एंड आई रिमेम्बर दो साल पहले जब मैं ये देख रही थी ये देखिए चिकन टेंडर ये भी प्लांट बेस्ड है ये असली चिकन नहीं होती है इसमें आप वो भी खा सकते हैं क्या है स्क्रैम्बल्ड एग्स और ये सब भी होता है ये सब प्लांट बेस्ड है आई स्टिल रिमेम्बर ये देखें वेजी ब्रेकफास्ट मैं स्टिल रिमेम्बर पे ही अटक गई आई स्टिल रिमेम्बर दो साल पहले जब मैं बिग बॉस देख रही थी तो सलमान खान ने रितेश देशमुख के साथ वो आए थे शो के ऊपर एंड ही इंट्रोड्यूस के हम ये इंडिया के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम प्लांट बेस्ड सारी चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी खाने से कि प्लांट बेस्ड चीज़ें खा रहे हो आपको वही मज़ा वही फ्लेवर आएगा जो एक चिकन में या मटन में या एनीथिंग आप बर्गर में या इसमें खाते हैं तो ट्राई करिएगा यहाँ अगर किसी को नहीं पता हो ग्रेडियन के नाम से है तू नांडू बेबी से ते क्यूट लागतू तू जा रहे थे मैं 3-4 वर्ष ना होता जब आप 3-4 साल के थे तब तक ये क्यूट लगता था पिस्ताचू यार मेरा फेवरेट था पहले पिस्ताचू पापा ना मजाक उड़ाते थे हम लोग जब भी आइसक्रीम खाने जाते थे वैसे तो आइसक्रीम का ज़्यादा शौक नहीं है लेकिन हाँ पापा को भी नहीं है लेकिन पापा हमेशा वो डेट के ऊपर आइसक्रीम खिलाना आइसक्रीम पार्लर ले जाते थे ना तो मैं पिस्ताचू लेती थी और पापा जो है वो रोज लेते थे अजीब लोग है ना और अजीब फ्लेवर हमें लेना है कोकोनट करी बनाने के लिए कोकोनट फ्लेवर की करी होती है तो हमें कोकोनट कहाँ से मिलेगा बेकिंग एरिया में ये कोकोनट कुकीज़ नहीं बनाने हैं हमें करी बनानी है आधा एक्सक्यूज मी कोकोनट ऑयल नहीं बेटा कोकोनट पाउडर चलेगा या फिर कोकोनट फ्लावर भी नहीं आटा नहीं गूंदना ओ खत्म हो गया ये आ लांडलू से गरम करें खाई ला 96 सेंट्स का तुझे हम लोग घर में खाना नहीं देते क्या अच्छा तू 96 सेंट्स का गरम करके खा लेगा नहीं ना दे चीटो कोई ढंग की चीज लेना भाई आज चीटो तो चिप्स खाती है मैक एंड चीज खाती है मैक एंड चीज लो या चिप्स खाओ चीटोस है चीटोस में ऐसा क्या है क्या क्या सुकून क्या मिलता है मुझे बता
हाँ नदी, ये कव्वा ही है ना, मैना की तरह लग रहे हैं, क्यों छेड़ा है ये, कव्वा नहीं है ये मैना है, कव्वा तो काय काय करता है ना, ये ई ई कर रही है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग हमारी हो गई है कंप्लीट, बाय तो हमें करना होता है बहुत कम चीज़ें, बट मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, मतलब ऐसी घूमना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे कहते हैं कि चलो 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 10 मिनट्स बहुत हो गए, जल्दी जल्दी करो। सो मुझे जो खाउसे के लिए चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली। खाउसे के बारे में पहले बता देती हूँ, खाउसे होते हैं एक बर्मी स्टाइल और एक होता है, दो वर्जन्स है इसके, एक बर्मी स्टाइल होता है, बर्मी स्टाइल का जो वर्जन है वो बहुत ब्लैंड होता है, मतलब इतना स्पाइसी नहीं होता। एज पाकिस्तानी हमें जो है वो चीज़ें चटपटी पसंद है। तो जब हम छोटे थे, नहीं जब हम छोटे नहीं थे, जब शादी से पहले जब मैं यंग थी तो मैं ट्यूशंस पढ़ा देती थी तो मेरा जो ट्यूशन का जो स्टूडेंट था वो मेमन था, और उसकी मम्मी जो है वो बहुत प्यारे हमें खाउसे बना के भिजवाती थी, मेमिनी स्टाइल और एक होता है बर्मी स्टाइल। बर्मी स्टाइल जो होता है वो थोड़ा ब्लैंड होता है, मेमिनी जो होता है मेमन स्टाइल वो बहुत अच्छा हमारे टेस्ट के हिसाब से चटपटा होता है, उसके अंदर आप जो भी उठा के डाल दो, मतलब स्लिम्स जो चिली चिप्स होते हैं, पापड़ी होती है, चाट मसाला होता है, फ्राइड अनियंस होता है, और भी कुछ चटपटा डालना होता है तो आप डालो, मैगीज़ फ्राई होते हैं, मतलब मैगीज़ नहीं नूडल्स फ्राई होते हैं, और कोई रेड चटनी डालता है उसके ऊपर, कोई चिली ऑयल डालता है उसके ऊपर, तो बहुत चटपटा। और तब से ही मैंने खाउसे जो है वो ट्राई किया था और हमें तब से ही जो है वो बहुत पसंद है खाउसे, चटपटा खट्टा सारे फ्लेवर्स आते हैं। खाउसे के होते हैं 3 स्टेप्स, पहला स्टेप होता है उसकी कोकोनट करी बनाना, दूसरा स्टेप होता है उसका आप चिकन बेस्ड करी बनाए या वेजिटेबल्स डाल के, छोटे छोटे क्यूब्स वेजिटेबल्स के डाल के वो बनाए, सोया चंक्स होते हैं, सोए के छोटा कीमा टाइप भी मिलता है, आप उसको उससे भी बना सकते हैं। और तीसरा स्टेप इसका होता है नूडल्स, जो लंबे वाले नूडल्स होते हैं उसको बॉयल करके और फिर उसके ऊपर सारे जो है वो चटपटे मसाले और धनिया एंड ग्रीन अनियंस एंड ऑल सब बना के। तो मेरा पहला स्टेप है करी बनाना, जो कि कोकोनट करी होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 to 4 tablespoons जितना दही, ये है बेसन, कड़ी जैसे नॉर्मली हम पकोड़े कड़ी वाली कड़ी बनाते हैं लेकिन उसमें हम बघार डालते हैं, तड़का डालते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट ये दही के साथ वही बेसन जाएगा। मैंने दही लिया है, उसके अंदर ये 2 एंड हाफ स्पून जितना बेसन लिया है, हल्दी एंड दिस सॉल्ट, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। उसके अंदर जाएगा ये, मैंने फ्रेश ग्रीन पेस्ट हो ग्रीन चिलीज का तो वो डाल सकते हैं, इसके अंदर चिली का टेस्ट था तो मैंने इसी में पानी डाल दिया है। स्टोव मेरा ऑन है, 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ये गई मेरी कड़ी अंदर, इसको हम आराम से अभी पकने देते हैं बिकॉज कड़ी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये पक रही है मेरी कड़ी आराम से, धीमे, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अभी दूसरे स्टेप्स जो है वो बाकी है। कड़ी को अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है तो अब इसको कर देते हैं हम बिल्कुल धीमी आंच पे। इसके लिए, कड़ी के लिए जो है वो दही खट्टा होना चाहिए जैसे हम कड़ी के लिए बनाते हैं, अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप नींबू का रस भी इसके अंदर डाल सकते हैं इसको थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप जो कि करी, इसको मैं रख देती हूँ पीछे, आराम से पकता रहेगा, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है बिकॉज हमने ये इतना
थिक नहीं होता है, करी की तरह होता है। ये है मेरा सेकंड स्टेप जो कि ये है, पैन में मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, ऑयल से इसमें जाएगा ये चॉप्ड अनियंस। प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसमें ज़ीरा, अदरक लहसुन और चिकन डाल के भूने, फिर इसमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये टमाटर का पेस्ट डाल के स्लो आंच के ऊपर ढककर इसको भूने। पीछे है मेरी कड़ी और थोड़ी देर के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ, थोड़ी देर नहीं अभी डाल रही हूँ, कोकोनट मिल्क। इसमें आप कोकोनट मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे इसका कोकोनट का ही फ्लेवर इसमें मेन होता है। कोकोनट मिल्क पाउडर मुझे नहीं मिला तो मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट मिल्क, और जो मैं इस्तेमाल करती हूँ थाई कोकोनट मिल्क वो भी नहीं मिला, तो ये आज ऑर्गेनिक महंगा वाला यूज़ करेंगे। तो कोई भी मसाला वगैरह नहीं जाता है इसमें, सिर्फ जो है वो चिली पेस्ट जो हमने डाली है उसका ही फ्लेवर आता है। मैं चलती हूँ अपने थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है स्पेगेटीज को बॉईल करना। जब स्पेगेटी बॉईल करना सबको आता है, उसमें थोड़ा सा तेल डालें, थोड़ा सा नमक डालें, पैकेज के हिसाब से आप उसको बॉईल करें एंड देयर यू गो, आपकी आपकी स्पेगेटीज जो है वो रेडी है। लेट्स गो बाहर, क्योंकि बाहर आपको बताती हूँ मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। ये देखिए मेरे तुलसी का पौधा इतना बड़ा हो गया, इतनू सा था इतनू सा। ये मैं कोशिश कर रही हूँ क्या उगाने की, टमाटर, वो जो छोटे वाले चेरी टमाटर होते हैं ना ये, और ये मेरा धनिया एंड ये सांता क्लॉस गिर गया पानी के अंदर, दोपहर तक तो खड़ा हुआ था बेचारा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है शायद, और ये बारिश की वजह से इन्होंने जो है वो अपनी लाइट्स बंद कर दी है और वो गिर गया। और ये है परीसा जो कि गाने सुन रही है और कर रही है अपनी पेंटिंग कुछ कॉफ़ी मग की। परीसा को और मुझे जो है वो पेंट करने का बहुत शौक है। परीसा को पेंट करने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है जितना उसको स्केच करने का शौक है। परीसा आप अपने स्केच के बताओ, और कुकिंग के अलावा मेरे ये भी शौक है पेंट करना। तो ये है मेरी पेंटिंग्स जो मैंने बनाई थी और अपने घर की दीवार पे लगाई थी। ये रो रही है? नहीं, लठे निकाल के रो रही। कैंडल, दिस इज व्हाट, ये आँख है, और ये रही, हाँ ये आँख, ये क्या है, लड़की। एक मिनट, मुझे लड़की जैसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। ओ अच्छा, हाँ ये रही, इसके लिप्स है। ये बना कैसे लेती हो, मार्कर से, स्केच पेंसिल से? पेंसिल, स्केच पेंसिल से, पॉइंटर है परीसा के पास, ये उससे बनाती है। दिस इज़ व्हाट, इधर आओ ना बेटा, ये भी इसने कुछ बनाया, ये क्या है, सूर्य? ये क्या है, ऐसी डिज़ाइन, ऐसी डिज़ाइन बनाया है, पहाड़ कुछ दिख रहे हैं, ये इसकी नाक, ओके नाक और आँख, एंड दिस वॉज योर लेटेस्ट गणेशा। यस, गरीब आपको खाना नहीं मिलता ना घर में, इसीलिए आप चीटोस के ये लेके आए हो। अरे इसको निकाल दिया बॉक्स में से, इसको बॉक्स के अंदर ही पकाते हैं ना दिश। ये देखो नरी नरी मिर्चे है इसके अंदर, यार ये क्या मजा देता है, टेल मी नदीश, ये फूड कलर है? नहीं, सीरियसली ये क्या है, चल बता मुझे। मर्चा, मर्चा, तो मर्चे के अंदर इतने लाल मिर्चों का ऐसा थोड़ी कलर होता है, ये तीखा होगा। हम तुझे खाना नहीं देते ना जो तू ये लेके आया है खाने के लिए इतना सा, क्योंकि तुम लोग को चीटोस के तीखे वाले चिप्स अच्छे लगते हैं इसलिए। ना अब इसको टेस्ट करवा, कलर, लुक एट द कलर, मुझे एक बात बताओ बेटा क्या डिफरेंट लगा इसमें, मुझे बोलता
मैं तुझे स्वादिष्ट बना के देती, उसमें चीज डाल के देती, पूरा यही टेस्ट आता ना दिश। हाँ ना दिश, चीटोस से, ओनली द नेम चीटोस, नथिंग वर्थ इट। हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, इज़ इट वर्थ इट, शक्ल देख के, कलर देख के, कि घर का मम्मा के हाथ का खाना इज मोर वर्थ इट। और ये है मेरा खाउसा और उसके साथ सारी चीज़ें रेडी। मैजिक नहीं हुआ है, किसी ने हेल्प नहीं करवाई है, इसके पीछे पूरे एक घंटे की मेहनत लगी है। परी, तुम पीछे से, कैमरे के पीछे से कह रही, मम्मा मैं तू सिर्फ कैमरा लेके खड़ी हुई थी। ओके, मेहनत हुई थी, मेहनत खाने में नहीं, कैमरा पकड़वाना, कैमरा पकड़ने में मेहनत होती है, तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है। तो ये मैंने बनाया है चिली ऑयल। बनाने का तरीका, गरम तेल लेके इसको कुटी हुई मिर्चों के ऊपर डाल दें और थोड़ी देर रख दें। आपका चिली ऑयल रेडी। सो दिस इज हरी प्याज, लेमन, क्यूकम्बर, बॉइल्ड एग्स, फ्राइड अनियंस। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये फ्राइड लहसुन, पीनट नहीं है। दिस इज़ द चिली ऑयल जो आप लोगों के सामने बनाया मैंने। ये है मसाला, चाट मसाला। ये क्योंकि पापड़ी नहीं मिली तो ये है चिप्स, दो किस्म के चिप्स लिए हैं। पापड़ी ना मिले तो समोसे की पट्टियाँ, हम यूजली वही होती है, समोसों की पट्टियों को बिल्कुल छोटा छोटा स्क्वायर में काट के आप फ्राई कर लो क्रिस्पी, वो होती है। अक्सर लोग डालते हैं ये जो नूडल्स हैं इसको भी छोटे छोटे काट के इसको फ्राई करते हैं बॉईल करके। तो ये हो गया खाउसे के तीन इंग्रेडिएंट्स जो मेन हैं। ये है ग्रेवी, जो करी बनाई थी, लेकिन कोकोनट करी मेन होती है। ये है इसका नूडल। अब इसको जो है मैं आप लोगों को असेंबल करना बताती हूँ कि कैसे असेंबल करते हैं और कैसे मज़े लेके खाते हैं। सो ये गया हमारा सबसे पहले खाउसे, और क्या है, नूडल्स, नूडल्स गिर गए, जितने आपको चाहिए। इसके ऊपर जाएगी हमारी ये कोकोनट करी। ये और लिक्विड होती है पर मुझे ज़्यादा लिक्विड जो है वो पसंद नहीं है। इसके ऊपर जाएगी ये ग्रेवी, ग्रेवी। अब इसका मेन पार्ट, ये सारी चीजों के बगैर खाउसा इज इनकम्प्लीट। जाएगा ये बॉइल्ड एग है, मेरे बच्चों को बॉइल्ड एग नहीं पसंद। ये है फ्राइड अनियन, ये है हरी प्याज। किसी को इसके अंदर प्याज जो नॉर्मल कट करते हैं वो पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया भी जाता है पर मैंने नहीं डाला, मुझे नहीं पसंद हरा धनिया। इसका मेन पार्ट जो इसमें ज़्यादा फ्लेवर देता है, ये फ्राइड लहसुन, ये चिली ऑयल। किसी को अगर चिली ऑयल नहीं पसंद या नहीं बनाना हो, कुछ ज़्यादा ऑयली लगे, तो जो मोमोज के साथ या जो ढोकरे के साथ या जो लाल चटनी हम बनाते हैं गार्लिक वाली, कश्मीरी मिर्च उसके अंदर पीस के, लहसुन और थोड़ा सा विनेगर डाल के, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे। दिस इज द चाट मसाला। ये दो किस्म के चिप्स हैं, के ऊपर डालेंगे लेमन जूस, मैं करने लगी हूँ इसको टेस्ट, ट्रस्ट मी, जिसने खाओ से ट्राई नहीं किया कुछ नहीं ट्राई किया। सुपर यम,
हाय, मैंने कितने महीनों के बाद ये खावसा खाया। I'm really loving it. जरूर घर पे ट्राई करना और कमेंट में जरूर बताना जब ट्राई कर लो कि कैसा लगता है खाने में। एंड दिस इज अ मस्ट ट्राई डिश पार्टीज के लिए। अगर ये बना के रख दें तो मतलब कि कुछ डिफरेंट खाने को मिल जाएगा। नॉर्मल खाने तो हम खाते ही रहते हैं, आप इसे ऐसे बना सकते हैं और इस तरीके से सब सजा सकते हैं। जिसको भी जो चाहिए वो खुद अपने हिसाब से मिर्च मसाला एंड ऑल रख के खा सकता है। सो दिस इज़ माई खाउसा। आज का ब्लॉग जो कुकिंग ब्लॉग था खाउसे के ऊपर, एंड मैं अपना खाउसा इंजॉय करती हूँ। आप लोगों को खाने को मन हो तो घर में जो कोई भी हो पकड़ो, मम्मी को, बहन को, वाइफ को, या आप खुद कुक कर सकते हो तो कुक करें और जल्दी से ट्राई करें ये यमी यमी खाउसा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग ऑन माई वीडियोस, और आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड वो जो घंटी होती है ना उसे प्लीज़ फिर से सेटिंग में जाके फिर से ऑल कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के पास जो है वो नोटिफिकेशन पहुंचती नहीं है। क्योंकि दो तीन कमेंट्स ऐसे मिले मुझे कि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आई है। वो मे बी इसलिए कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालती हूँ, तो वो जो गूगल की तरफ से या यूट्यूब की तरफ से शायद नोटिफिकेशन जो है वो बंद हो जाती है या ना, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो उसे फिर से सेटिंग पे कर दे और सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ।